गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट चैनल। फटाफट से लाइव आ जाइए। चलिए आज आपकी साइंस की क्लास है, जो डेली आपकी साइंस की क्लास होती है। 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 30 क्वेश्चंस लाइव हैं। फटाफट से लाइव आ जाइए। साउंड क्लियर है? क्वेश्चंस की विजिबिलिटी सही है? आई थिंक सब क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर देन बैक्टीरिया ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। एक जीव जो जीवाणु अथवा कवक के अलावा मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट से जवाब दीजिए। डिकम्पोजर, डेट्रीवोर, कंज्यूमर या फॉलिवोर। ऐसे जीव जो जीवाणु नहीं है और कवक नहीं है और किस पे फीड कर रहे हैं? आपके मृत कार्बनिक पदार्थ पे फीड कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा? अच्छा, अगर बैक्टीरिया या फंजाई होता तो उन्हें किस में रखा जाता? डिकम्पोजर्स में रखे जाते। बैक्टीरिया या फंजाई? इतने छोटे कैसे लिखे हैं इसमें, तो ले नहीं पाएंगे कमेंट। फटाफट से जवाब दीजिए। कमेंट देख लेते हैं आपके एक बार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून लिटिल माउंट, मुकेश, यतेंद्र, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अब आप कमेंट में आंसर दीजिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया और फंजाई नहीं है और फीड कर रहे हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, उन्हें क्या कहेंगे? डिकम्पोजर, डेट्रीवोर, कंज्यूमर या फॉलिवोर। फॉलिवोर कौन से होते हैं? जो ब्रांचेस पे ब्रांचेस लेते हैं, ब्रांचेस और लीव्स को खाते हैं। एग्जाम्पल है आपके एलिफेंट, हाथी या जिराफ। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? फॉलिवोर के अंदर आएंगे। लीव्स खाना, लीव्स खाते हैं ये एनिमल्स, और क्या करते हैं? ब्रांचेस लेते खाते हैं, उन्हें हम फॉलिवोर में रखते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेट्रीवोर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेट्रीवोर रेदर देन डिकम्पोजर। अगर डिकम्पोजर होता तो क्या होता? बैक्टीरिया या फंजाई आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए फेमस है आपकी? टाइगर के लिए, मस्क डियर के लिए, एलिफेंट के लिए या राइनोसीरस के लिए? फटाफट से जवाब देंगे। शेरों के लिए, सुगंधित मृग के लिए, हाथियों के लिए या गैंडों के लिए? हेलो सागर, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर आना शुरू हो गया। ए टाइगर के लिए। टाइगर के लिए तो गिर फॉरेस्ट है गुजरात।
हाँ काजीरंगा पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका राइनोसिरस, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, किसकी हाई कंसेंट्रेशन होगी वाटर के अंदर जिसकी वजह से हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ब्लू बेबी नामक रोग किसके होता है पेयजल में अधिक सांद्रता में प्रदूषित होने से, कौन से हैं, क्लोराइड नाइट्राइड सल्फेट या आयोडाइड, फटाफट से आंसर देंगे। कमेंट करके जवाब दीजिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम। राइट आंसर है आपका नाइट्राइट। अगर नाइट्राइट की मात्रा ज्यादा हो जाती है पानी के अंदर और हम उसे लेते हैं, उसे पी लेते हैं, उस प्रदूषित दूषित पानी को पी लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको और किस नाम से जानते हैं, मीथेन नोग्लोबिमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रबाबा सेंचुरी, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया चंद्रबाबा सेंचुरी इज सिचुएटेड, चंद्रबाबा वन्य जीव अभ्यारण भारत के किस देश में है। ये कमेंट ऊपर नहीं आ सकती क्या? नहीं आ रहा है, नहीं बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा। फोन में नहीं दिख रहा, मतलब फोन देखिए। अरे फोन में सही से नहीं समझ आ रहा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश, इसको बड़ा कर दो या तो अपना फोन हालात। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया चंद्रप्रभा सेंचुरी इज सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये चंदौली में है, चंदौली कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, फटाफट से जवाब दीजिए। ए राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन लेयर इज अपर मोस्ट, अपर एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत का विनाशकारक है, कौन है ये, फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, फटाफट से कमेंट करके जवाब दीजिए। फोटोकेमिकल, धूम कोहरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन लेयर डिप्लीशन कहाँ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, डिप्लीशन होता कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में। किसकी वजह से हो रहा है, इनमें से किसकी मात्रा ज्यादा है, बी। चलिए आंसर्स आना शुरू हो गए, मुकेश का बी, सागर का बी, शिवम का बी। चलिए सभी का सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कमर्शियल स्केल, सबसे पहला बायो इंसेक्टिसाइड कहाँ डेवलप हुआ था, कमर्शियल स्केल में मींस बहुत बड़े स्केल पर, वाणिज्यिक
पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशक कौन सा है इसमें से, क्विनिन, डीडीटी, ऑर्गन फॉस्फाइड या स्पोरोइन? फटाफट से कमेंट करिए, क्विनिन, डीडीटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट या स्पोरिन। सबसे पहला इंसेक्टिसाइड कीटनाशक क्विनिन, क्विनिन एक कीटनाशक नहीं है, क्विनिन किसकी मेडिसिन है, दवा है मलेरिया की, किससे मिलती है, सिंचोना से मिलती है, सिंचोना प्लांट से मिलती है, सिंचोना के पादप के बार्क से मिलती है हमें क्विनिन। तो ये तो दवा हो गई, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑर्गेनोफॉस्फेट, स्पोरिन और डीडीटी, इसमें से कीटनाशक एक ही है, वो है आपका डीडीटी। तो सभी का सही जवाब है डीडीटी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ नंबर ऑफ नेचुरल रिजर्व्स हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व स्पेसिफिक वाइल्ड स्पेसिफिक, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से सही कॉम्बिनेशन बताना है आपको कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। अनेकों प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि विशेष वन्य जंतु की जातियों को संरक्षित किया जा सके, इनमें से सही कौन है? काजीरंगा एलिफेंट के लिए, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एश के लिए, गिर फॉरेस्ट टाइगर के लिए, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मस्क डियर के लिए। फटाफट से कमेंट करके बताइए। काजीरंगा हाथी के लिए, कच्छ का रन जंगली गधे के लिए, गिर वन बाघ के लिए, मानस वन्य जीव कस्तूरी मृग के लिए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया सी। फटाफट से जवाब दें। काजीरंगा अभी अभी बताया था किसके लिए है, राइनोसीरस के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए। गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट किसके लिए होता है, टाइगर के लिए, सही है आपका। सही जवाब क्या है आपका, रन ऑफ कच्छ, आंसर सी। कमेंट में सब कह रहे हैं आंसर सी, आंसर सी नहीं आंसर बी, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एश के लिए होता है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेड डाटा बुक आर कंबाइल्ड वाई, लाल आंकड़े संबंधी पुस्तकें संकलित की जाती हैं, किसके द्वारा संकलित की जा रही हैं? WWF के द्वारा, IUCN के द्वारा, RNGS के द्वारा या WPSI के द्वारा? रेड डाटा बुक एंडेंजर्ड एनिमल्स का पूरा डेटा लिखा जाता है इसके अंदर। एर्थ का बी, सागर का जवाब आ गया एर्थ का बी, मुकेश का बी। चलिए सभी का सही जवाब है बी, IUCN के द्वारा। IUCN क्या करते हैं, रेड डाटा बुक के अंदर जितने भी आपके स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं, खत्म होने वाली हैं, लुप्त होने वाली है, उनके पूरी लिस्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फूलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, चावल के पौधे के अंदर, चावल के पौधे के अंदर एक बीमारी होती है जिसको नाम दिया गया फूलिश सीडलिंग सीड डिसीज, उससे किसकी डिस्कवरी हुई? एब्सिसिक एसिड की, साइटोकाइनिन की, 2,4-D की या ज़िबरलिंस की? ये सारे क्या है आपके, ग्रोथ हार्मोन्स है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स।
इनमें से किसी साइंटिस्ट ने राइस को, राइस के पौधे में से एक हार्मोन निकाला, कौन सा हार्मोन था वो, फटाफट से कमेंट करके बताइए। FC6 साइटोकाइनिन 240 एजिबर्लिन। साइंटिस्ट का नाम क्या था, क्यूरोसोमा, जिन्होंने फंजाई जिबर्लिया नाम की फंजाई थी जिस जो राइस के रूट में लग रही थी, जो क्या कर रही थी, इसको लेंथ प्रोवाइड कर रही थी, लेंथ इंक्रीज कर रही थी। हार्मोन कौन सा था आपका, इसी के नाम से, इसी फंजाई के नाम पे हार्मोन का नाम दिया गया, जिबर्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ प्लांट विच गिव्स बोथ ऑयल एंड फाइबर, ऐसा प्लांट बताइए जो आपको ऑयल भी दे रहा हो और फाइबर भी दे रहा हो, जो रेशे भी दे रहा हो और तेल भी दे रहा हो। कोकस न्यूसीफेरा, हेलियंटस एनस, कोकस कैप्सुलेरी या ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सभी के साइंटिफिक नेम बताएं, फटाफट से बताइए। ऐसा कौन सा पौधा है जो आपको ऑयल भी दे रहा हो और फाइबर भी दे रहा हो। ये क्या है आपका, कोकोनट, नारियल का पेड़, ये आपका सनफ्लावर, सूरजमुखी का पेड़, ये आपका जूट जिससे आपको जूट मिलता है, ये आपका सरसों, सरसों का पौधा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको ऑयल भी दे रहा हो और फाइबर भी दे रहा हो, टेंथ का ए। चलिए आंसर्स आने शुरू हो गए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सभी का सही जवाब है। नारियल से हमें तेल भी मिलता है और उसके ऊपर का जो रेशे होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, फाइबर भी मिल जाता है। कोकस न्यूसीफेरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसेफिटिडा जिसे हम हींग बोलते हैं, जो घरों में बहुत आसानी से मिल जाती है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से मिलती है, लीफ एक्सट्रैक्ट से, सीड से, इनफ्लोरेसेंस से या रेजिनियस एक्सॉर्टेड फ्रॉम रूट, पत्ती के रस से, बीज से, इनफ्लोरेसेंस से यानी कि फूल से, या फिर जड़ के रेजिन से, जड़ में से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसमें से, फटाफट से कमेंट करके जवाब दीजिए। आंसर आना शुरू हो गया। बी, हींग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में वो कहां से आती है, सागर का बी, मुकेश का सीड, शिवम का बी। चलिए राइट आंसर है आपका रेजिनियस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रूट, जड़ से जो रेजिन निकलता है उससे हमें हींग प्राप्त होती है, पादप के जड़ से हमें हींग प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बायोडीजल प्लांट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा, जेनरा बताना है इसका, ब्रेसिका, गॉसिपियम, जेट्रोपा या सोलेनम। जितने भी बायोडीजल्स बनते हैं, जितने भी बायोडीजल्स के पौधे हैं जो बायोडीजल बनाते हैं, वो कौन सी फैमिली में आते हैं, यूफोरबिएसी में। इसमें आपको जेनरा पूछा है, जीनस पूछी है, कौन सी होगी, ब्रेसिका, गॉसिपियम, जेट्रोपा या सोलेनम।
हिंदी में भी बताया जा रहा है आपको, बायोडीजल को हिंदी में बायोडीजल ही बोलेंगे। बायोडीजल का प्लांट पादप किस जीनस से बिलोंग करता है? राइट आंसर है आपका जेट्रोपा। फैमिली कौन सी होगी आपके? यूफोरबियेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कत्था, जो हम लोग कत्था खाते हैं, कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हर्ड वुड ऑफ, कत्था अंतः कास्ट से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, कौन से पौधे से हमें कत्था मिलता है? अकेशिया अरेबिका, अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, अकेशिया फर्नेशियंसा, अकेशिया कैटेचू। फटाफट से कमेंट करिए। किससे मिलता है आपको कथा? कथा हमें कहाँ काम आ रहा है? डिसीज में काम आ रहा है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस डिसीज में हमें कथा काम आता है। किस पौधे से मिलता है? अकेशिया कैटेचू से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रेफर्स टू, पेट्रोक्रॉप रोपण संदर्भित है एस्टैब्लिशिंग ऑफ गोबर गैस प्लांट। पेट्रोक्रॉप किससे संबंधित है आपकी? गोबर गैस प्लांट से, प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट, या रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट? गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना, तेज वृद्धि करने वाले पादप रोपण से, हाइड्रोकार्बन बहुल करने वाले पादप रोपण से, या बेकार पादप पदार्थों के पुनचक्रण से? फटाफट से जवाब दीजिए। पेट्रोकार्प इससे संबंधित है। पेट्रोकेमिकल्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेट्रोकेमिकल्स का अगर फॉर्मूला भी देखेंगे तो किससे बने होते हैं? वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो कौन सा होगा आंसर आपका? प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट, ऐसे पादप जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो, उनसे हमें क्या मिलेगा? पेट्रोकेमिकल्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है, कौन से पादप से प्राप्त हो रहा है? फाइकस रिलिजियसा, पाइनस रोबक्स रॉक्सबर्गी, क्यूरिकस सुबेर, या एट्रोकार्पस हेटेरोफाइलस। कमर्शियल क्रॉक किससे प्राप्त हो रहा है? फाइकस को हम क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं। पाइनस, पाइनस के कोन्स वगैरह आपने देखे होंगे, साइकस और पाइनस के कोन्स होते हैं। फटाफट से जवाब दीजिए। राइट आंसर है आपका क्यूरिकस सुबेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भोजपत्र इज ऑब्टेन फ्रॉम, भोजन पत्र प्राप्त किया जाता है, किसे प्राप्त किया जा रहा है? बार्क ऑफ फाइकस रेसिमोस, बार्क ऑफ बेटुला यूटिलस, बार्क ऑफ साइडियम, बार्क ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका को हम मैंगो बोलते हैं। फाइकस रेसिमोस की छाल, बेटुला यूटिलस की छाल, सीडियम गुआजा वहाँ की छाल, मैंगीफेरा इंडिका की छाल, किससे प्राप्त होती है हमें? भोजपत्र। फटाफट कमेंट करके बताइए।
पहले के जमाने में क्या होता था, भोजपत्र किसने सबसे पहले एशियंट में यूज किया था, आर्यंस ने यूज किया था। वो इसमें क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे। कौन से पादप से मिलता है हमें, ए, आंसर आना शुरू हुए ए, राइट आंसर है आपका बी, 16th का बी, बार्क ऑफ बेटुला यूटिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ ईसबगोल, ईसबगोल कहाँ से प्राप्त होता है। आयुर्वेदिक दवा अगर किसी ने ली होगी तो कंस्टिपेशन के लिए हमें क्या दिया जाता है, ईसबगोल दिया जाता है। ये एक मेडिसिनल है, मेडिसिन की तरह काम कर रही है कॉन्स्टिपेशन, या इनडाइजेशन जिसको पाचन की दिक्कत होती है उसको आयुर्वेद में आयुर्वेदिक दवा लेने जाते थे, उसको क्या दिया जाता है, ईसबगोल दिया जाता है। वो एक्चुअली मिलता कौन से पौधे से, मॉरस एल्बा, एफिड्रा फॉलिएटा, प्लांटेगो ओवेटा या आर्जिमोन मैक्सिकाना। फटाफट से कमेंट करिए, जितने भी एग्जाम्स है वो आगे से आगे हार्ड पे हार्ड आते जाएंगे, इजी पेपर नहीं आने वाला है, तो आपकी तैयारी भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो लेवल है, जो अभी का जो लेवल है वो आगे जाके बढ़ेगा। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, मे बी सुपर टेट है, यूपी टेट है, या कोई भी साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो उसका लेवल इंक्रीज ही होगा पहले वाले पेपर से। फटाफट से जवाब दीजिए, ईसबगोल कहाँ से मिलता है आपको। ईसबगोल देखा होगा आप लोगों ने सभी ने। चलिए ये प्लांटेगो ओवेटा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग समर हस मैट्स फॉर कूलिंग एयर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ। कूलर वगैरह में जो खसखस की मैट लगाते हैं हम लोग, वो एक्चुअली कौन से पादप से आती है। ग्रीष्म काल में हवा को ठंडा करने के लिए खसखस की चटाई किसकी जड़ से बनाई जाती है। अभी गर्मियां चल रही है तो मैक्सिमम लोग या तो कूलर में हैं या एसी में बैठे हैं, तो जो कूलर में जो खसखस की जो मैट लगी होती है वो कौन से पादप से मिलती है। बबूसा नॉन, नाना, सेकेरम, मुंजा, वेटिवेरिया, जिजेनाइस या फिर सिटेरिया ग्यूमिलिया। फटाफट से कमेंट करिए, आंसर आना शुरू हुआ ए, बैम्बूसा। बैम्बूसा तो बैम्बू को कहते हैं, बैम्बू की नहीं बनी होती है, बैम्बूसा इज द रॉन्ग आंसर। आपका राइट आंसर है वेटिवेरिया जिजेनॉइड्स, वेटिवेरिया जिजेनॉइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। हम लोगों का फास्ट वगैरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साबूदाना खाते हैं। ये साबूदाना एक्चुअली है क्या, साबूदाना प्राप्त किससे किया जाता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपने देखा नहीं हो या पढ़ा नहीं हो या सुना नहीं हो, साबूदाना सभी ने देखा है। और मैक्सिमम जितने भी फास्ट वगैरह व्रत वगैरह रखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, साबूदाने की या तो खिचड़ी बना ले या कुछ भी बना लेंगे। तो वो एक्चुअली साबूदाना आता कौन कहाँ से, साइकस से, पाइनस से, फॉन से या मॉस से। आंसर आ रहा है बी, पाइनस। राइट आंसर है आपका साइकस, साइकस रेवोल्यूटा।
हैं, हमें साबूदाना मिलता है, ये क्या है, कॉर्न्स हैं, इनमें फूल नहीं आते। विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है, बैक्टीरिया से नहीं होती, इनमें से ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, पोलियो या ऑल ऑफ दिस या सभी होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, पोलियो या ये सभी, फटाफट से कमेंट करिए। ऐसी कौन सी डिसीज है जो बैक्टीरिया से नहीं हो रही है? चलिए राइट आंसर है पोलियो। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। पोलियो एक वायरल डिसीज है। लेप्रेसी किससे हो रही है आपकी? बैक्टीरिया से हो रही है, माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है? निम्न में से सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या क्लॉस्ट्रिडियम। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया नहीं पूछा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी नहीं पूछी गई, यहाँ पे पूछा गया है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आंसर सी, शिवम का आंसर आ गया सी। चलिए राइट आंसर है आपका सी, राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ मिलते हैं आपको? रूट नोड्यूल्स में। किसके रूट नोड्यूल्स में मिलेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट्स के। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। वो क्या है? एक तरह का सहजीवी जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है आपका? सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव, माइकोप्लाज्मा, डायएटम्स, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। ल्यूरोनिमोनिया, ये किसके काम आ रहा है आपका? पीपीएलओ ये क्या कर रहा है? ये एक डिसीज कर रहा है। कहाँ पे डिसीज कर रहा है? लंग डिसीज, लंग से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं वो किसकी वजह से हो रही है? माइकोप्लाज्मा की वजह से हो रही है। डायएटम्स क्या हैं? एल्गी हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पर्ल ऑफ ओशियन। ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं ओशियंस के अंदर। डायएटम्स, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए आंसर्स आने लगे डी, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। राइट आंसर है आपका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है आपका? माइकोप्लाज्मा। अगर आपके माइकोप्लाज्मा नहीं दिया हुआ है और पीपीएलओ दिया हुआ है तो आपका सही जवाब पीपीएलओ हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is responsible for food transport and other substance in plants? Transport of food. निम्न में से कौन से पौधों में भोजन और अन्य पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार है?
पादप में जो पौधे, पादप में खाना ले जाने का काम कौन कर रहा है? भोजन ले जाने का। जाइलम उत्तक, फ्लोयम उत्तक, क्लोरोप्लास्ट या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब दीजिए। पादप में भोजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कौन सी कोशिका कर रही है? जाइलम, फ्लोयम, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या अवेलेबल होता है? क्लोरोफिल। इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस कराना। जाइलम और फ्लोयम इनमें से बताइए फटाफट। चलिए, श्वेता का आ गया फ्लोयम, शिवम का सी। राइट आंसर है आपका फ्लोयम। जाइलम का काम क्या है? जाइलम कोशिका क्या काम करती है? पानी को एक जगह से लेके जाती है दूसरी जगह, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल है आपका जाइलम टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन फॉर गैल्वनाइजेशन? गैल्वनाइजेशन के लिए कौन सा मेटल काम में आ रहा है? जिंक, कॉपर, आयरन या सिल्वर? मेटल को हम हिंदी में धातु बोलते हैं। गैल्वनाइजेशन को गैल्वनाइजेशन ही बोलेंगे। किसी भी पदार्थ के ऊपर एक कोट लगाना जिससे कि उस पर जंग नहीं लगे, कोरोजन नहीं हो जाए, उसके लिए हम गैल्वनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। ये गैल्वनाइजेशन प्रोसेस कौन से धातु के द्वारा की जा रही है? जिंक के द्वारा, कॉपर के द्वारा, आयरन या सिल्वर? किसकी परत लगाई जाती है, किसकी कोटिंग की जाती है? चलिए, संजीव का आंसर आ गया है जिंक। जिंक इज द राइट आंसर। स्टील वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा किसकी कोटिंग कर दी जाती है? जिंक की कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि उसके ऊपर कोई भी कोरोजन नहीं होगा, जंग नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, आई थिंक ये रिपीटेड है आपका। ओजोन लेयर का डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है? ओजोन परत में डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन? राइट आंसर क्या है आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग? मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब श्रवण से संबंधित है? हियरिंग के लिए, सुनने के लिए कौन सा लोब है हमारी ब्रेन के अंदर जो कनेक्टेड है? फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब या ऑसिपिटल लोब? फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए, मैक्सिमम का आंसर आ गया है सी, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव, हम लोग क्या करते हैं? पैकिंग मटेरियल्स यूज करते हैं। जूसेस हैं, अचार है, ये सब हमारा क्या है? कंटेनर्स में पैक होके आ रहा है, उसे वो खराब नहीं होगा, उसके लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड या सोडियम साल्ट्स और बेंजोइक एसिड? जितनी भी जूसेस आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं या पिकल्स हैं, अचार वगैरह हैं, इन सब में ये चीज खराब ना हो इसलिए एक केमिकल डाला जाता है। वो केमिकल क्या है आपका? इनमें से कौन सा केमिकल है?
फटाफट से कमेंट करिए। चलिए श्वेता का आ गया डी अंत, डी इज द राइट आंसर। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाला जाता है जूसेस और पिकल्स को बचाने के लिए, जिससे कि ये काफी दिन तक टाइम तक हमारे चलते रहें। जितने भी पैक्ड मटेरियल्स हैं उनके अंदर हम केमिकल कौन सा डालते हैं, सोडियम्स डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक इन वाटर, जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? अगर दूषित पानी है और वो दूषित पानी किसकी वजह से हुआ है, आर्सेनिक धातु की वजह से हुआ है और हमने उसे पी लिया है, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, स्किन कैंसर या इनडाइजेशन। अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, त्वचा कैंसर या अपचन, फटाफट से कमेंट करिए। 28 का सी सभी कुमार। चलिए बाकी मुकेश का सी। अगर आर्सेनिक धातु है पानी के अंदर तो हमें कौन सी डिसीज हो सकती है? चलिए सभी का सही जवाब है सी, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर होता है। अल्जाइमर किसकी वजह से होता है, फटाफट से कमेंट बताइए। अल्जाइमर डिसीज, जो हमारी ब्रेन है उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है, सेल्स का, जिसकी वजह से हमें अल्जाइमर डिसीज होता है। पार्किंसन भी किसके से रिलेटेड है, हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 28 का सी, स्किन कैंसर। व्हाट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडे का केमिकल नेम क्या है आपका, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आइसोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या एल्यूमिनियम सल्फेट। बेकिंग सोडा ब्रेड वगैरह के काम आता है, ब्रेड बनाने के काम आ रहा है आपका बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नाम क्या है, का ए, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। मुकेश का सी, श्वेता का सी। चलिए सभी का राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 है, कैंसर का पता लगाने में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। किसी को अगर कैंसर है तो उसका पता कैसे लगाएंगे, कौन से रेडियो आइसोटोप से? मुकेश, मैम इस टाइम डेली होती है। हाँ, आपकी ये क्लास डेली होती है, 30 क्वेश्चंस की रिवीजन टाइम होता है ये आपका साइंस का। अगर आप सभी ने ग्रेजुएशन लेवल पे साइंस पढ़ी हुई है और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम को फेस करेंगे, मे बी आप यूपी टेट दे रहे हो या SSC दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इसीलिए आपकी ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, डेली इसी टाइम होती हैं 1 बजे। चलिए आंसर आना शुरू हो गया। ए, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 इज द राइट आंसर। कोबाल्ट 60 सही है।
कार्बन 14 किसके लिए यूज होता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए, प्लांट की एज पता करने के लिए। प्लांट की फॉसिल की एज पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन 14 का यूज करते हैं। सोडियम, सोडियम किस काम आ रहा है, सोडियम, सोडियम 24 काम आ रहा है हमारा मॉनिटर करने के लिए, किसको मॉनिटर करने के लिए, गाइटर डिसीज को। गाइटर डिसीज का मतलब है आपका घेंगा, जितने भी थायराइड से रिलेटेड हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसीजेस हैं, उन सब का, सबको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका काम हो रहा है, सोडियम 24 का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 60। आपके ये 30 क्वेश्चंस थे। अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्लास सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।